हरियाणा के जींद जिले में नहरी पानी की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां 5 गांवों ने मिलकर नेशनल हाईवे 352 जाम कर दिया है। वहीं किसानों ने कहा कि नहरी पानी नहीं आने से धान और कपास की फसल खराब हो रही है। बता दें कि किसानों ने नहरी पानी नहीं आने को लेकर जींद के बड़ौदा खटकड़ के बीच नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली जींद पटियाला मार्ग पर जाम की स्थिति देखने को मिली। साथ ही किसान अधिकारियों पर भी आरोप लगाते दिखाई दिए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसानों का हंगामा जारी रहा। वहीं किसानों का कहना है कि खेत की सिंचाई के लिए पानी तो दूर की बात है, बल्कि पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, जिस वजह से 5 गांवों के किसानों ने मिलकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पुलिस भी मौजूद है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक ये जाम खुल पाएगा। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।